एपी पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग ये देखे थे सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि जो एस एम होता है दैट इज ए प्लस एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, ये हो गया जब मेरे पास लास्ट टर्म नहीं दिया रहता है, व्हेन लास्ट टर्म नॉट प्रोवाइडेड। अगर ये नहीं दिया है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है, एक और फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये कब हम लोग यूज करते थे, व्हेन लास्ट टर्म प्रोवाइडेड, व्हेन लास्ट टर्म प्रोवाइडेड। ये बोलने के लिए है कि हाँ कब किसको कैसे यूज करना है, ताकि अगर आपके पास कभी ऐसा जरूरत पड़े तो आप उस फॉर्मूला के बेसिस पे उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बस यही फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे सब। आपको ये भी बताया गया था ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस टू डी है, ए प्लस थ्री डी है, तो ये कहलाता है एक सीक्वेंस। जब भी किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है और कॉमन टर्म से सेपरेटेड है तो एपी का ये सीक्वेंस है। अगर इसी को प्लस से सेपरेट कर दे, मतलब ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी प्लस, तो इसको कहा जाता है सीरीज, है ना। ये चीज आपको बता दिया गया था कि हाँ किसको सीक्वेंस कहते हैं, किसको सीरीज कहते हैं। जनरल तौर पे सम से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो पूरा का पूरा सीरीज का होता है, वो सीक्वेंस का नहीं होता है। सम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एपी का होगा वो हमेशा सीरीज का होता है, वो सीक्वेंस का नहीं होता है। अब देखिए उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा, देखिएगा। मेन है इसी पे कुछ कुछ क्वेश्चन जो अप्लाइड होता है उसका यूज और कैलकुलेशन। देखिए क्या दिया है, इफ ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन आर इन एपी, ये एपी में है। आगे ये बोला गया फाइंड वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ वन बाई रूट अंडर ए वन प्लस रूट अंडर ए टू प्लस वन बाई रूट अंडर ए टू प्लस रूट अंडर ए थ्री प्लस, ये चलता गया और लास्ट में एक टर्म दिया हुआ है रूट अंडर ए एन माइनस वन प्लस रूट अंडर ए एन। इसका वैल्यू कितना होगा ये पूछा जाए। आपको देखिए फॉर्मूला लगभग सबको याद रहता है कितना है ये, ठीक है, सबको ये भी याद रहता है कि हाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो भी याद है, मगर क्वेश्चन में क्या अप्लाई करें जिससे क्वेश्चन बन जाए, अगर ये आ गया तो समझिए मैथमेटिक्स आ गया। तो मेन आपको वही सीखना है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझे तो कि क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सीखिएगा। सबसे पहला चीज, इसमें मेरे पास कॉम्प्लिकेशन किसके कारण आ रहा है, कौन सा ऐसा टर्म है जिसके कारण हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कोई भी ऐसा मेथड लगा दें जिससे कि हम स्क्वायर रूट हटा दें तब कहीं जाके ये सॉल्व हो पाएगा। क्या आप में से हर कोई ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा एक टर्म है, ये दो टर्म है और ऐसे ये nth टर्म है। तो क्योंकि टर्म सेपरेटेड बाय प्लस, इसका मतलब क्वेश्चन किसका है, सीरीज का कि सीक्वेंस का, किसका क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन। तो पहला आइडेंटिफिकेशन इस बात को लेके हुआ कि रूट का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, तो जब तक उसको हटाएंगे नहीं तब तक सॉल्व होगा नहीं। तो जब कभी भी रूट माइनस या रूट प्लस रूट रहे ना, क्या बोले हम बोले रूट प्लस या माइनस रूट रहे, ठीक है, तो हमेशा यूज करते हैं रैशनलाइजेशन हमेशा। ठीक है, कहीं भी आ जाए, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड आ जाए, किसी भी क्लास में आ जाए, याद रखिएगा अगर रूट प्लस माइनस रूट आपका कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, मतलब सॉल्वेबल नहीं है, तो उसको आसान बनाने के लिए रैशनलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। ध्यान रखिएगा रूट प्लस माइनस रूट का बात कह रहे हैं। अगर मान लीजिए हम टर्म बाई टर्म ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, एक टर्म को पहले दिखा रहे हैं वन बाई रूट ए वन प्लस रूट ए टू, अगर इसको रैशनलाइज करें तो आप तरीका जानते हैं ना, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ऐसा,
अब ऊपर में जो आया ए वन माइनस रूट ए टू, नीचे क्या आया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी लिखेंगे ए वन माइनस ए टू। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत है, ये कैसे आया? कोई भी आ गया? चलिए ठीक ठीक, कोई डाउट नहीं ना। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, एक और सेकंड वाले को ले ले, सेकंड वाले को वन बाई रूट ए टू प्लस रूट ए थ्री। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां हम रेशनलाइजेशन कर दिए हैं, रेशनलाइजेशन कर दिए हैं, तो बोलिए तो यहाँ क्या होगा, लिखेंगे डायरेक्ट एकदम ठीक। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार आप उतना लंबा करें, आपको पता है कि हाँ क्या आना चाहिए। चलिए यहां तक का बात क्लियर हो गया, मतलब आप देख के समझ गए, ये वाला अपोजिट साइन के साथ न्यूमरेटर और नीचे से रूट हट जाएगा, ये जो टर्म दिया है वो अपोजिट साइन के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से रूट हट जाएगा। ठीक है, साइन अपोजिट। अगर हम इसी टर्म को लिखे तो देखिएगा, अब जो मेरे पास क्वेश्चन में दिया था हम उस पार्ट को लिख रहे हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे इतना रूट ए वन माइनस रूट ए टू बाई ए वन माइनस ए टू प्लस रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री बाई ए टू माइनस ए थ्री प्लस, आगे बढ़े लास्ट वाले को हम क्या लिखेंगे, ए एन माइनस वन माइनस ए एन रूट ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन बाई ए एन माइनस वन माइनस ए एन। अच्छा हम एक टर्म बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला इसके बराबर है, सही बोलना है कि गलत है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं, ये जो है ना ये इसके बराबर है, सही कि गलत? सही है, क्योंकि ये एपी है तो एपी में डिफरेंस कॉन्सिक्यूटिव टर्म का कॉमन होता है, सेम होता है। ए वन माइनस ए टू माइनस डी होगा तो ए टू माइनस ए थ्री भी माइनस डी होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया, ए वन माइनस ए टू माइनस डी होगा कॉमन डिफरेंस, तो ए टू माइनस ए थ्री भी माइनस डी होगा कॉमन डिफरेंस, यानी सबका डिनोमिनेटर सेम, तो वो चीज हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। अब कॉमन निकालने के बाद हमको थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये तो फॉर्मूला है पिछले क्लास वाला ऑलरेडी बताया हुआ था, हटा रहे हैं ठीक है, दो लाइन केवल, ये वही पिछले क्लास का फॉर्मूला केवल रिवाइज करा रहे थे ना, उतना ही बस, इतना ही सफिशियंट है। देख अब हर एक डिनोमिनेटर को आप माइनस डी कर दें तो कहा जा सकता है कि वन बाई डी कॉमन आ जाएगा सब में से, ब्रैकेट में जो बचा थोड़ा उसको लिखते चले, रूट ए वन माइनस रूट ए टू प्लस रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री प्लस रूट ए थ्री माइनस रूट ए फोर सो ऑन, लास्टली मेरे पास ये आएगा रूट अंडर ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन। यस देखिए आपको क्या दिखेगा ना, ये सब कट जाएगा, सब सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा ये और ये बचेगा, क्या आपको दिख रहा था माइनस प्लस कटिया, माइनस ए थ्री प्लस ए थ्री कटिया, माइनस ए फोर तो इसके बाद प्लस ए फोर आने वाला था कटिया, सब कैंसिल हो गया, फर्स्ट बच गया लास्ट बच गया, इसी को कहते हैं फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट बच गया, मेरे पास नेगेटिव को इंसर्ट करके रूट ए एन आगे और माइनस रूट ए वन और डिवीजन में कौन डी। ठीक है डी, अब ऊपर वाले पार्ट को अगर हम रेशनलाइज कर दें, क्योंकि डी बोल के मेरे क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं था ना, देखिए डी बोल के क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं, तो डी में आप आंसर भी नहीं छोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में डी कहीं मेंशन नहीं है तो आंसर आप डी में नहीं छोड़ सकते, इसको कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करें, कैसे करें, एक बार इसको रेशनलाइज करें न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा ए एन माइनस ए वन और नीचे आएगा डी रूट ए एन प्लस रूट ए वन इतना। अब ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी और माइनस ए वन को ए कहते हैं डिवीजन में, डी उसके साथ रूट ए एन और प्लस रूट ए वन। देखिए माइनस ए प्लस ए कैंसिल होने के बाद डी और डी ऊपर नीचे कैंसिल होगा, माइनस ए प्लस ए पहले कैंसिल हो गया, उसके बाद d इंटू एन माइनस वन बाई डी था तो d और d ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, जो बच गया वो मेरा आंसर।
तो देखिए आंसर क्या आया, आंसर है n माइनस वन और उसके डिवीजन में रूट ए एन प्लस रूट ए वन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कैसे बनता है। कुछ भी डाउट कहीं भी जरूर पूछ ले आप, कोई टर्म समझने में दिक्कत या डी क्यों हटाया सर, डी कैसे आया सर, रैशनलाइज क्यों किए सर, ऐसा कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन है तो पूछ ले, ये तो नोट कीजिए। लास्ट हो गया ना, अच्छा सब अच्छा, सब कुछ दिया कि नहीं, कुछ नहीं दिया। देखिए एक और क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, क्वेश्चन लिखने के बाद अगर आप बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाने में लग जाइएगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इन एन एपी, इन एन एपी एस एन इज पी एन स्क्वायर, एस एम इज पी एम स्क्वायर, एस आर डिनोट्स सम ऑफ आर टर्म्स, सम ऑफ आर टर्म्स। तो बोला एस क्यू कितना, देन एस क्यू कितना, ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि क्या होगा, कितना होगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एपी में जब भी दो कंडीशन दिया रहेगा ना, एपी में जब भी दो कंडीशन दिया रहेगा वो ए और डी के लिए दिया रहता है और किसी के लिए नहीं दिया रहता। एपी में जब भी दो कंडीशन, चाहे सम का हो या नंबर ऑफ टर्म्स का हो, हमेशा वो केवल ए और डी के लिए दिया रहता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, मान लीजिए डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो उसके बेसिस पे अगर आप एस एन लिखेंगे तो एस एन क्या बता रहा है, इट इज द सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ऑफ एपी। तो एस एन इज इक्वल टू वैल्यू क्या दिया, पी एन स्क्वायर। हम जानते क्या है फॉर्मूला ए और डी के बेसिस पे, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, फॉर्मूला जानते हैं, लिख दिए। ये मेरे पास मेरा इक्वेशन नंबर वन हो गया। अगर हम एन को कट कर दें और टू को यहां भेज दें, टू को भेजिए, टू पी एन इज इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, छोड़ दीजिए इक्वेशन नंबर वन फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे। अब एम पे आ रहे हैं, एम पे SM, SM का मतलब हो गया सम ऑफ m टर्म्स, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP, ऑफ AP। तो SM मेरे क्वेश्चन में कितना प्रोवाइडेड, PM स्क्वायर, PM स्क्वायर। और हम लोग बाई द फॉर्मूला जानते क्या है कि क्या होता है, इट इज m बाई टू टू ए प्लस एम माइनस वन डी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना चाहे, m कैंसिल, 2 यहाँ है, तो 2pm इज इक्वल्स टू 2a प्लस m माइनस 1d। ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला इक्वेशन। तो दो इक्वेशन में कौन सा दो अननोन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, दो इक्वेशन में हम a कैलकुलेट करना चाहते हैं, d कैलकुलेट करना चाहते हैं, a कैलकुलेट करना है, d कैलकुलेट करना है। तो बताइए तो एप्रोप्रिएट तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का, क्या करें हम, एलिमिनेशन। अच्छा हम ये हम एक सजेशन दे रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो चलेगा, ठीक है, आप आइदर वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या टू में से वन सब्ट्रैक्ट कीजिए, दो इक्वेशन है, आप किसी भी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे वन में से टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं सामने में ही कैलकुलेशन किया जाएगा, टू पी एन इज इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी है नीचे वाला, टू पी एम इज इक्वल, ये पी इंटू एम है, ठीक ना, ये पी इंटू एम है, टू ए प्लस एम माइनस वन डी सब्ट्रैक्ट किया गया, ये कैंसिल इसके, ठीक है, यहां पे टू पी कॉमन ले लिए, एन माइनस एम इज इक्वल टू, इन दोनों में से d कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या, n माइनस वन माइनस एम प्लस वन डी, ये और ये कैंसिल, n माइनस एम कैंसिल, तो 2p किसके इक्वल, d। क्या आपको d का वैल्यू मिल गया, कि जो कॉमन डिफरेंस हम लोग अज्यूम करके चले थे वो कितना आएगा, 2p। जब आप इस d का वैल्यू आइदर इक्वेशन वन या टू किसी में भी पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा, प्रेफर किया जाता है फर्स्ट इक्वेशन, तो पुट इन इक्वेशन नंबर
वन, वन में पुट करते हैं तो लिखेंगे क्या, टू पी एम एन नॉट एम एन इज इक्वल्स टू टू ए प्लस एन माइनस वन और डी के प्लेस पे टू पी। क्या आपको ये पता चला कि टू सब में से कट रहा है, काट दिए। उसके बाद ए इज इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा, पी एन ये इधर आया तो नेगेटिव होगा, माइनस एन पी माइनस तो प्लस पी, ये और ये कैंसिल हो गया तो ए का वैल्यू किसके बराबर, पी। ए मिल गया पी, डी मिल गया टू पी, ए मिल गया पी, डी मिल गया टू पी। निकालने क्या बोला गया था, निकालने बोला गया था क्यूएथ टर्म, सम ऑफ क्यू टर्म्स। तो एस क्यू, एस क्यू क्या फॉर्मूला, इट इज क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी। आपका काम ए के जगह ए का वैल्यू पुट कीजिए और डी के जगह डी का वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए, ठीक है। ए आपके सामने है पी के बराबर, डी आपके सामने है टू पी के बराबर, ठीक है। सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है, नोट कीजिए इसको, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ भी लीजिए अगर किसी को दिक्कत है कहीं। सुभजीत इतना जल्दी माइक बंद करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बड़ा इधर उधर आवाज आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू स्क्वायर सही है, ठीक। पी क्यू स्क्वायर तो ये अपने पास आ गया पी क्यू स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है, एस के बेसिस पे ना घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन में ये बोला गया इफ एस आर, एस आर डिनोट्स डिनोट्स सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स, फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एपी, ऑफ एन एपी, तो पूछा गया देन वैल्यू ऑफ एस थ्री आर माइनस एस आर माइनस वन डिवीजन में एस टू आर माइनस एस टू आर माइनस वन, ये क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आर निकालना है हमको, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें ना हर एक पार्ट का इंडिविजुअल मीनिंग आपको आना चाहिए, मतलब ये कि अगर एस थ्री आर लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ थ्री आर टर्म्स, थ्री आर टर्म्स ऑफ एपी, इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। जो भी सफिक्स में लिखा है उतने टर्म्स का सम करेंगे हम, उतने टर्म्स का सम करेंगे, बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट से चलिए। हम लोग मान के चले कि एपी के बारे में कुछ दिया तो है नहीं, तो थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा। लेट ए इज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म और डी को आप अज्यूम कर ले, इट इज द कॉमन डिफरेंस, इट इज कॉमन डिफरेंस, ये आपका अजम्पशन जिसका आपको कोई वैल्यू वैल्यू नहीं निकालना है, हमको बस यूज करना। हम लोग फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो यूज करेंगे उसके बेसिस पे केवल वैल्यूज पुट करना है हमको। जनरल फॉर्मूला एस एन होता है इज एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब क्या करेंगे, अगर एस थ्री आर निकालना है तो एन के जगह थ्री आर, अगर एस आर माइनस वन निकालना है तो एन के जगह आर माइनस वन, ये पुट करते चलेंगे बस इतना ही काम, देख ले। तो जो मेरे पास ये टर्म था डायरेक्ट इसी पे हिट कर रहे हैं, सीधा पुट करेंगे इस फॉर्मूला पे, तो लिखा जा सकता है 3R by 2 उसके साथ में 2A plus N के जगह, N के जगह 3R, ठीक है, 3R minus 1D, ये हो गया S3R का वैल्यू, ठीक। अगला SR minus 1, तो N के जगह पूरा का पूरा ये R minus 1 पुट होगा, तो R minus 1 बाई टू इसके साथ में टू ए प्लस आर माइनस वन एन के जगह पुट हुआ और एक और माइनस वन डी, ये हो गया। इसके डिवीजन में एस टू आर, तो टू आर बाई टू इसके साथ टू ए प्लस टू आर माइनस वन डी, फिर माइनस टू आर माइनस वन, टू आर माइनस वन बाई टू
इस जगह 2a प्लस एन के जगह 2r माइनस 1, एन के जगह 2r माइनस 1, एक और माइनस 1, डी बस उसके प्लेस पे पुट कर दिया गया जो भी हो सकता था। देखिए ये इतना बड़ा इसलिए दिया जाता है ना ताकि अगर कोई एक छोटा मोटा मिस्टेक कर दिया तो उसका पूरा गलत हो, ठीक है। तो कोई भी टीचर या क्वेश्चन देने वाला ये नहीं चाहता है कि मेरा दिया हुआ क्वेश्चन सब स्टूडेंट से बन जाए, वो ये चाहता है कि फिल्टर करके जिस स्टूडेंट का कंसंट्रेशन है, जिसको आता है, वही बना सके, इसलिए थोड़ा लेंथी दिया जाता है, बाद में ये छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे छोटा होता जाएगा, हर जगह से ये डिनोमिनेटर का 2 तो कट गया ना, अब उसके बाद हम आपको एक चीज बोल दें, पूरे के पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो ही टर्म हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है एक आर का टर्म, सॉरी एक ए का टर्म दिख रहा है और एक डी का टर्म दिख रहा है, हमको दो ही टर्म दिख रहा है, एक ए का टर्म दिख रहा है और एक डी का टर्म दिख रहा है, ठीक है। इतना बड़ा कोई मायने नहीं रखता है, दो ही टाइप का टर्म है, एक ए कंटेन करेगा एक डी कंटेन करेगा, मल्टीप्लाई करके सेपरेट करते चलते हैं। मेरा इंतजार मत कीजिए, आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, करना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोसेस बता दिया गया है, जहां तक हो सके खुद से सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लाई करते चले तो 3r into 2, अच्छा एक और नहीं नहीं हो सकता है ना, हम सोच क्या रहे थे ना कि r और r कॉमन ले लेंगे, मगर यहां से तो r कॉमन नहीं आएगा ना, नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई किया जाए 6ar, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस पूरा ओपन कर रहे 3r into 3r, ठीक है 3r into 3r 9r square और उसके साथ d, फिर माइनस 1, तो 3r इंटू डी माइनस 3r डी, ये हो गया इतना। अब इसका माइनस में r 2a से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2ar, केवल न्यूमरेटर अभी चल रहे हैं, माइनस माइनस प्लस और वो 2a से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो प्लस 2a। अब आगे ये r माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई, ये r माइनस 2 है, ध्यान दीजिएगा R माइनस 1 R माइनस 2 से मल्टीप्लाई D है, तो लिख ले यहां पे माइनस में R माइनस 1 R माइनस 2 D हो जाएगा, कंप्लीट हो गया न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, अच्छा आप चाहें तो इसको सॉल्व भी करके लिख सकते हैं यहीं पे, ये कितना होगा R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 2, फिर से एक बार r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2 होगा, इस पे नेगेटिव चढ़ाएंगे और d लगाएंगे, ठीक है, नेगेटिव लगाते चले और d लगाते चले, तो r स्क्वायर d, फिर उसके बाद प्लस 3rd, फिर उसके बाद माइनस 2d, हो गया, ताकि हम लोग आगे फिर मल्टीप्लिकेशन का कुछ रखें। अब यही काम डिनोमिनेटर में, तो हो गया 4ar, देखते चलिए बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4ar, फिर उसके बाद यहां से 4r square d, फिर माइनस के साथ माइनस 2rd, ये हो गया। अब इधर साइड में तो माइनस 2r 2a माइनस 4ar, मल्टीप्लीकेशन है माइनस 2r के साथ ये प्लस 2r, तो माइनस 4r square d माइनस 2r से ये माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस 4rd, फिर प्लस 1 से ये प्लस 2a, फिर प्लस 1 से इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो डायरेक्ट कितना लिखेंगे 2rd माइनस 2d, हो गया सब मल्टीप्लिकेशन, कट कीजिए फाइनलाइज कीजिए, जितना आ रहा है उतना लिखा जाए इज इक्वल्स टू, अच्छा r स्क्वायर का टर्म 1 2 मिलके कितना हो गया 8r स्क्वायर d, r का टर्म, ठीक ना, r का टर्म 1 2 यहां और 1 3 कहीं होगा, ये हुआ, ये तो कट गया, बच गया केवल ये वाला 6, तो प्लस 4ar, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट यानी विदाउट r कोई है क्या 2d और 2a प्लस 2a माइनस 2d, डिवीजन में r स्क्वायर का टर्म 4 कट गया, ठीक है, अच्छा r का टर्म तो देखा जाए, अच्छा ये भी 4ar कट गया, फिर
ये माइनस टू आर डी प्लस टू आर डी कट गया, बच गया फोर आर डी, फोर आर डी उसके साथ में टू ए और कौन माइनस टू डी, ये आया आपके पास ऐसा, ठीक है। देख लिया इसमें से अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, बस सॉल्व करके लिख लीजिए जो आ रहा है इतने में। और एक बार मल्टीप्लाई करते हुए देखिएगा, अगर कुछ है ना आगे पीछे मिस्टेक हुआ हो कहीं या आपको कहीं डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछ लें। किसी का नहीं आया, इतना ही आया था मल्टीप्लाई करके, आप लोग किए थे क्या नहीं किए? अरे करना चाहिए था। वैसे देख लीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है। आंसर इसका दिया हुआ है 2R प्लस 1, ये कैंसिल होगा और आंसर आएगा 2R प्लस 1, उतना काम कर लीजिएगा बस उतना ही रहेगा, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, अलजेब्रा है हो जाएगा, इसको डायरेक्ट हो गया होगा। लिखते चलिएगा मेरे साथ, मैथमेटिक्स अलजेब्रा में ना थ्योरी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको सॉल्व करने ही ज्यादा मिलेगा, तो कॉपी वॉपी लेके बैठा कीजिए, सॉल्व करते चलिए मेरे साथ। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये दिया है सम के बेसिस पे, लेट एस एन डिनोट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एस एन इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एन टर्म्स ऑफ एपी, तो आगे क्या बोला गया, इफ एस टू एन इज इक्वल्स टू थ्री इंटू एस एन, थ्री एस एन, तो एस थ्री एन इज टू एस एन कितना होगा ये पूछा गया कि क्या निकले, ठीक है। तो देखिए ये जब भी ऐसा रहे ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में तो कुछ नहीं, वो तो जैसे है वैसे बनाना था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। देखिए क्या है ट्रिकी, थोड़ा सुनिएगा, जब कभी भी आपको एस का या टी का रेशियो दिया हुआ हो, यानी कि एपी के केस में सम का या फिर एनएथ टर्म का रेशियो दिया हो, सर हमको तो ये रेशियो नहीं दिखा, ध्यान से देखिए दिखेगा, एस टू एन बाई एस एन दैट इज इक्वल्स टू थ्री बाई वन, क्या आपको रेशियो दिखा? जब भी रेशियो दिया रहेगा ना वो इसलिए दिया रहता है ताकि ए और डी में कोई रिलेशन मिल जाए, रिलेशन, ठीक है, यानी डी को चाहे तो ए के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं या ए को चाहे तो डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो रिलेशन हमेशा रेशियो से मिलता है, इस यही काम होता है इसका, ठीक है। अब देखिए क्या है, मेरे क्वेश्चन में जो दिया एस टू एन बाई एस एन कितना, थ्री बाई वन, बाई का फॉर्मूला एस टू एन किसके बराबर, तो टू एन बाई टू इसके साथ टू ए प्लस टू एन माइनस वन डी इसके बराबर, इसके डिवीजन में एस एन किसके बराबर, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी के बराबर, जो फॉर्मूला जानते हैं वो लिख लिया, उसके बाद अब सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर ले, जो कैंसिल हो पा रहा है कर लिया गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो थ्री से ये मल्टीप्लाई होगा, क्या लिख सकते हैं, सिक्स ए प्लस थ्री डी और उसके साथ एन माइनस वन और ये पूरा पार्ट टू से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू फोर ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू टू डी, टू डी, ठीक है। सॉल्व किया जाए, ए का टर्म एक तरफ कर लेते हैं तो सिक्स ए माइनस फोर ए इज इक्वल टू टू ए और ये टर्म हम उधर भेजेंगे, तो ध्यान दीजिएगा हम थोड़ा ओपन भी कर ले रहे हैं इसको, ये हो गया फोर एन डी माइनस टू डी, ये उधर जाएगा नेगेटिव होगा माइनस थ्री एन डी और प्लस थ्री डी, प्लस थ्री डी, ठीक है। तो टू ए इज इक्वल टू फोर एन डी माइनस थ्री एन डी, एन डी माइनस टू डी प्लस थ्री डी, डी ये आ गया, कॉमन ले लीजिए तो टू ए इज इक्वल टू एन प्लस वन डी। अब आपकी इच्छा, आप चाहें तो डी को लिखें टू ए बाई एन प्लस वन,
या फिर आप चाहे तो a को लिखें n प्लस वन बाई टू डी, एन प्लस वन बाई टू डी। ठीक है, बोले थे ना वो रेशियो इसीलिए दिया रहता है ताकि a और d में कोई रिलेशन मिल जाए, तो जरूरत पड़े तो d को रिप्रेजेंट कर सके a के फॉर्म में या a को रिप्रेजेंट कर सके d के फॉर्म में, वो इसीलिए दिया ही रहता है। आगे अब जो कैलकुलेशन करना है उस पे चलते हैं। हम लोगों को निकालना क्या है, एस थ्री एन बाई एस एन। अच्छा, हम यहां तक तो आपको पहुंचा दिए ना, ठीक है। अब आपको हम थोड़ा हिंट देते हैं, पहले देखते हैं आप बना लेते हैं कि नहीं। उसके बाद एस थ्री एन इज टू एस एन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि थ्री एन टर्म का सम और एन टर्म का सम। तो लिखेंगे थ्री एन बाई टू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन डी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व आपको करना है। एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब आपका काम क्या है यहां पे कि आप अगर चाहें तो ऊपर और नीचे ए के जगह पे इतना पुट कर दें एन प्लस वन बाई टू डी, या अगर आपकी इच्छा हो तो आप d के प्लेस पे ऊपर और नीचे ये पुट कर दे 2a बाई एन प्लस। मगर क्या करवाना चाहते हैं वो सुन लीजिए, या तो हम न्यूमरेटर पूरा a में करवाना चाहते हैं डिनोमिनेटर a में, या न्यूमरेटर पूरा d में हो और डिनोमिनेटर d में। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा होगा ऊपर का a नीचे का a कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर का d नीचे का d कॉमन आके कट जाएगा और हमको एग्जैक्ट रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। इत्मीनान से नहीं, जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी आया क्या सर? माइनस टू एन, माइनस टू नाइन इज टू वन। आंसर नहीं है। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं, देखते हैं और किसी का कोई आंसर। सबका भाई आदित्य कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, उसका सॉल्व किया था तो आया था, वही बता रहे थे। कितना कितना? माइनस टू एन डी आया था। माइनस टू एन डी कौन अभी बता? ये सर भाई। अरे इसमें इसमें तो कटना है ना इसको। अच्छा ठीक है, देखते हैं ना, थ्री है बाहर में, इसको हम थ्री को बाहर ही छोड़ते, टू ए है। अच्छा सुभजीत क्या किए थे, डी के प्लेस पे ये पुट किए थे या ए के प्लेस पे? डी के प्लेस पे। ठीक है, हम भी वही करेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि एक बार चेक कर लिया जाएगा, टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन और डी के प्लेस पे, डी के प्लेस पे टू ए बाई एन प्लस वन, टू ए बाई एन प्लस 6:1। अच्छा ठीक है, एक आंसर 6:1 भी आया, चलिए ठीक है देखा जाए। फिर 2a प्लस n माइनस वन और d के प्लेस पे 2a बाई n प्लस वन ये पुट किया गया। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला चीज हम जरूरी बात बोलेंगे, a कॉमन आया और ऊपर वाले a से कैंसिल हो गया, समझे ना क्या हुआ, a पहले कॉमन निकाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर कैंसिल कर दिए। उसके बाद अब हम एलसीएम लेना चाहेंगे, एक और बात बोले 2b कैंसिल हो गया, देखिए 2b कॉमन आएगा कट जाएगा। अब एलसीएम लिया गया, तो एलसीएम लेंगे तो ये 3 बाहर का बाहर रह गया, यहां 1 था उससे ये मल्टीप्लाई n प्लस 1, यहां पे 3n प्लस 3n माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में आइए, यहां 1 था n प्लस 1 से मल्टीप्लाई और उसके साथ में n माइनस 1 ये, ठीक है, ये नीचे कट गया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, 3 ऊपर में है 4n और नीचे में है 2n। ठीक है, तो कितना आएगा 3 × 2, कहने का मतलब 6, यानी फाइनली आप जब आंसर देंगे रेशियो के फॉर्म में इट इज 6:1। ठीक है, 6:1 ये करेक्ट था, सही है, चेक कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक हुआ किसी का तो। देखिए एक नया क्वेश्चन है अपने पास, इफ
SN AP से ही related है, वो बोला गया कि AP है. SN is equals to NP plus N into N minus 1 by 2 Q. ठीक है, where SN denotes sum of first N terms of AP. तो पूछा गया find common difference, और ये थोड़ा objective question है, इसमें option दिया है P plus Q, second 2P plus 3Q, third 2Q, fourth Q. ठीक है, आपके सामने find common difference. जहां तक हमको याद है ना, पिछले क्लास में हम आपको ये बताए, अगर आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया. ठीक है, देखो फोन है, उसको पॉकेट में लेके चलो, ट्राई कीजिए कि क्या कर सकते हैं. हम आपको थोड़ा हिंट दे दें, ठीक है ना, बनाने के लिए थोड़ा हिंट दे दें, तब उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा. याद है पिछले क्लास में क्या किए थे कि S1 का मतलब T1 होता है और S2 का मतलब T1 plus T2 होता है, फिर निकाले थे S3 का मतलब T1 plus T2 plus T3 होता है. बोले थे कि अगर S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब T2 मिलेगा. ठीक है, और अगर बाई द वे हम लोग S3 में से S2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको T3 मिलेगा. जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स T3 माइनस T2, तो ये D होगा, और वो हम लोग को मिलेगा कितना, इसमें से सब्ट्रैक्ट S3 माइनस 2 S2 प्लस S1. याद आया पिछले क्लास में कराए थे. ठीक है, बस यही जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था ना, वो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बताया गया. अब आपके सामने क्वेश्चन है, हम बस इतना देखना चाहते हैं एक दो मिनट में कि आप इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, और फिर आंसर आता है कि नहीं, बस इतना. आपके भरोसे छोड़ो, आपसे बस इतना देखना है कि हम सब बता दें, थ्योरी है सामने, क्वेश्चन है सामने, अप्लाई करना है, आता है कि नहीं आता, बस वो देखना है. ठीक है, काम कीजिए, इसको यूज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. सबसे पहला चीज ना, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, आप ये फॉर्मूला देखे होंगे, हम पिछले क्लास में लिखाए थे कि अगर ये n है तो माइनस टू एस एन माइनस वन होगा और प्लस एस एन माइनस टू होगा. अगर कोई इस फॉर्मूला को पकड़ लिया होगा कॉपी पलट के, वो फंस जाएगा, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधा बात. ऐसे केस में जब आप ये जनरल फॉर्मूला जानते हैं ना, तो हमेशा नंबर्स पुट करने का कोशिश कीजिए. नंबर्स किसके प्लेस पे नंबर्स पुट करते हैं, एन के प्लेस पे. तो ये जो नंबर्स लिखा है ना, ये पुट करने का कोशिश कीजिए. एस एन लिखा तो S3 फाइंड करिए ना भाई, कि क्या होगा S3. S3 का मतलब 3P होगा प्लस 3 इंटू 2 6 बाई 2 3Q होगा. S2 का मतलब क्या होगा, N के जगह 2 पुट करेंगे तो 2P प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 यानी Q होगा. तो S1 का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब सिंपली P होगा. अब बोलिए S3 मिला, S2 मिला, S1 मिला, उठा के यहां पुट कीजिए, S3 माइनस 2 S2 प्लस S1, सब फाइंड कीजिए, सब आंसर बताइए अपना अपना भाई कॉल करके, जब जब आ जाए सबको ही फाइंड कीजिए. चलिए ठीक है, समझ गए, सबका आना चाहिए, सबका. आपको यहां पे बताया जा रहा है तो आपको हम कॉन्सेप्ट तो बता दिए ना, अब उसका एप्लीकेशन आपको सीखना होगा. जब तक खुद से नहीं बनाइएगा ना, तब तक फ्लुएंसी नहीं आएगा. ठीक है, मेरे बना देने का, हम इतना क्वेश्चन इसलिए भी बना दे रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग है ना ऑफलाइन में नहीं बैठे, यहाँ पे हम आपकी कॉपी नहीं देख पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे. तो एटलीस्ट हम कोई चीज छूटने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आपको जरूरत से ज्यादा यहाँ पे बताया जाता है. ठीक है, ताकि कम ना पड़ जाए. अदरवाइज क्लासरूम में क्वेश्चन दिया गया, समझा दिया गया, उसके बाद तो राउंड कर करके चेक किया जाता है कि इसकी कॉपी में क्या बना नहीं बना, कैसे हुआ नहीं हुआ. अभी तो आपका एक छोटा एरर भी होगा तो हम नहीं देख पाएंगे. ठीक है, तो इस कारण से हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़वाते जाते हैं कि बन जाए, और फाइनली तो हम पूरा बताते ही हैं, इसलिए आपको खुद से अप्लाई करने आना चाहिए. चलिए ठीक है, अगर अभी भी किसी का नहीं हो पाया तो डी होता है एस थ्री, एस थ्री का मतलब होता है थ्री पी प्लस थ्री क्यू माइनस टू एस टू, टू से मल्टीप्लाई करके तो फोर पी, टू से मल्टीप्लाई करके टू, माइनस लगा है तो ये माइनस तो ये भी माइनस. ठीक है, नेगेटिव प्लस S1, S1 का मीनिंग हो गया P, सिंपली P. अब इसमें आप देखें तो 3P माइनस 4P और P कैंसिल खत्म, 3Q माइनस 2Q सिंपल Q. ठीक
ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा, कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा हम लोग को क्यू। ये था आपके पास एक क्वेश्चन जिसपे आपको सिंपल ये चीज अप्लाई करता था। आपको जो भी क्लास में बताया जाता है वो इसीलिए बताया जाता है क्योंकि उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहता है। अब क्वेश्चन में क्या वैल्यू देगा, कैसे देगा, ये कोई सियोरिटी नहीं है, मगर आपको जनरल चीज बताया गया ना कि सम दे दे तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। देखिए सम दिया, कॉमन डिफरेंस पूछा, तो आपको थ्योरी ऐसे ही बताया जाता है और आपको उसको अप्लाई करना होगा। अच्छा ये हो गया। एक और क्वेश्चन अभी हम देखते थे, सम के बेसिस पे ही क्वेश्चन है अपने पास। ये दिया है लेट द सीक्वेंस ए वन ए टू ए थ्री से लेके ए एन तक आर इन एपी, ये एपी में है आर इन एपी, तो बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, ठीक ना, ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर माइनस ए फोर स्क्वायर प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते ए सफिक्स में टू एन माइनस वन लिखा है उसका स्क्वायर माइनस ए टू एन स्क्वायर, ठीक है। यहां तक दिख रहा है इनका स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा ना ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन क्योंकि सीरीज है तो थोड़ा लंबा लंबा रहेगा, भी कैसे बनाना है हम आपको एक बार हिंट देते हैं, थोड़ा देखा जाए खुद से अब ट्राई करना है। बहुत हम लोग सम पे क्वेश्चन देखें, देखिए ये एक साथ ट्रीट होगा, हम अभी बता रहे हैं ये इसके साथ ट्रीट होगा। सर कैसे पहचाने, देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं अलजेब्रा का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उम्मीद है आप भी जानते होंगे, ठीक है। ये इतना होता है इसलिए हम बोले कि वो ग्रुप में एक साथ ट्रीट होगा, इसलिए हम बोले वो एक साथ सॉल्व होगा। उससे क्या फायदा वो भी देख लें, ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए वन माइनस ए टू इंटू ए वन प्लस ए टू। ये मेरे किसी काम का नहीं मगर ये बहुत काम का है। क्या काम कर गया ये, क्योंकि ए पी था तो ये माइनस बी हो गया, नेगेटिव ऑफ कॉमन डिफरेंस, और इसके साथ ए वन प्लस ए टू आया। दूसरा देखिए ग्रुप ए थ्री स्क्वायर माइनस ए फोर स्क्वायर, बिल्कुल इस फॉर्मूला पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पे ये हुआ ए थ्री माइनस ए फोर और इंटू ए थ्री प्लस ए फोर, तो ए थ्री माइनस ए फोर एपी के कारण माइनस बी दे दिया और ए थ्री प्लस ए फोर एज इट इज जैसे है वैसे ही छोड़ दिए। अच्छा इससे क्या बेनिफिट होगा शायद आपको समझ में आया हो, हर एक पेयर में से माइनस डी बाहर निकलता जाएगा, हर एक पेयर में से माइनस डी बाहर निकलता जाएगा, अंदर बचेगा क्या। अगर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर है तो ए वन प्लस ए टू बचेगा, अगर ए थ्री स्क्वायर माइनस ए फोर स्क्वायर है तो ए थ्री प्लस ए फोर बचेगा। एग्जैक्टली जैसा अभी तक फॉर्मेट आया उसके अकॉर्डिंग माइनस डी बाहर ले लीजिए अंदर का टर्म, ये क्या रखेगा ए वन प्लस ए टू प्लस ये क्या रखेगा ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फोर प्लस ए फाइव, ठीक है। एक मिनट, यहां पे ए फाइव प्लस ए सिक्स, ऐसा ये बढ़ता गया लास्ट वाला ए टू एन माइनस वन प्लस ए टू एन। अब ब्रैकेट में आपको कितना टर्म्स दिख रहा है ये दिखता नहीं है, काउंट नहीं करेंगे, बताएंगे कॉन्सेप्ट से क्या है। टू एन टर्म ये सफिक्स में लिखा है टू एन ये क्लियर है कि नहीं, वहां दिख रहा है कि नहीं, ये टू एन लिखा है ना टू एन। अगर एन लिखा रहता जैसे मान लीजिए यहां रोक देते तो मेरे पास नीचे में फोर लिखा है तो हम बोलेंगे चार टर्म है, एक दो तीन चार, ठीक है। अगर यहां नीचे एन लिखा रहता तो एन टर्म, मगर लास्ट वाले में नीचे में क्या लिखा है टू एन, देखिए ना, देखिए क्वेश्चन में टू एन दिया तो टू एन टर्म्स, कितना टर्म्स टू एन टर्म्स। अब
हम आपको एक चीज बस यहां लिख के दिखा रहे हैं, उसको समझिएगा। सम ऑफ इसका मीनिंग क्या है वो हमको समझ में आ रहा है। सम ऑफ टू एन टर्म्स, सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ ए बी। देखिए ये जो यहां ब्रैकेट में लिखा ना, इसका मीनिंग ये हुआ सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ ए बी। और हम तो उसका फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे, डी से मल्टीप्लाई करेंगे और मेरा यहां आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस डी इंटू एस एन, आप इसको घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, एस एन का फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, नॉट एस एन एस टू एन का फॉर्मूला पुट कर लीजिएगा, आज बहुत क्वेश्चन बनाए हैं ऐसा, और डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कीजिए जल्दी जल्दी। क्या है कुछ आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है वो बता दिए, अब फिर से उसको हमको बना के कोई फायदा नहीं होगा ना, आप बनाइएगा तो आपको फायदा होगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, अभी बता दें जेई मेन 2016 में आया है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देखें कि कहना क्या चाहता है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया A1, A2, A3 से लेके AN तक, ये एक AP है, ये बता देगा कि कौन सा सीरीज है। और क्वेश्चन में ये प्रोवाइडेड A3 प्लस A7 प्लस A11 प्लस A15 इज इक्वल्स टू 72। तो बोला गया देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स कितना। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जैसे आप नाम सुने कि हाँ ये जेई में 2016 का है, ठीक है, तो आपको ये लग गया कि हाँ चलो क्वेश्चन का कुछ स्टेटस होगा, मगर वाकई में क्या है देखिए, टर्म आपको दिया और आपसे सम पूछा, तो ये टर्म क्यों दिया, ये टर्म दिया ताकि आप ए और डी में कोई रिलेशन निकाल लें या वैल्यू निकाल लें और उसके बाद आप सम ऑफ 17 टर्म्स कैलकुलेट करें। तरीका अपना क्या कहता है वो देखिएगा, मेरे पास है A3, A3 मतलब क्या होता है A+2D होता है, प्लस A7 मीन्स कितना होता है A+6D होता है, A11 मीन्स A+10D होता है 10D, ये A15 प्लस में कंटिन्यू है A+14D होगा, सब TN वाला फॉर्मूला 72 दिया। आप चेक करें 1, 2, 3, 4 4A प्लस 2D तो ऐसे जोड़े ना 8 प्लस 10 18 और 14 32D और ये कितना 72। आप 4 से कैंसिल कर सकते हैं मींस A प्लस, अच्छा 32D मींस कितना आ गया 8D दैट इज इक्वल्स टू, 4 से कैंसिल करते चलिए, ये कितना हो जाएगा 18। A प्लस 8D का वैल्यू कितना आया 18। अब आपसे पूछा सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स यानी S17, तो आप लिखेंगे फॉर्मूला 17/2, बिल्कुल उस फॉर्मूला पे चल रहे हैं N/2, 2A, ठीक है उस फॉर्मूला पे 2A प्लस N-1 यानी 17 ना -1 और D, यही तो A हमको पता ही नहीं, D पता ही नहीं, वो तो अज्यूम्ड है, तो S17 होगा अपने पास कितना 17/2। अच्छा ये कितना आया 2A प्लस, ये कितना हो गया 16D हो गया, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई रिलेशन है 2 नहीं, अच्छा नहीं दिखा A प्लस 18, हाँ यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में है वो इसका 2 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स है, मींस कितना हो जाएगा 36, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 36, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, डायरेक्ट 36 पुट कर रहे हैं, 17/2 मल्टीप्लाइड बाई 36 मीन 17 × 18 क्या होता है, तो 17 8 टाइम में कितना देता है 306, ठीक है 306, ठीक है ठीक, चलिए देखिए 17 अगर किसी से नहीं हो पा रहा है, तो अगर 17 एक टाइम में कोई पूछ दे, ठीक है बचपन में आप बहुत याद किए होंगे, बस एक तरीका बता दे रहे हैं, देखिए क्या कीजिएगा, अगर 17 एक टाइम में पूछ दे तो क्या कीजिएगा 8 7 या 56, ठीक है, अब 8 जो है
वो 10 से कितने डिस्टेंस पे, 2 यूनिट, तो 20 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो कितना बचा 36, यानी 136, ठीक, नहीं समझे, समझे, 17 एक जा अगर पूछा गया, अगर आपको फॉर्मूला आता है, सॉरी अगर टेबल आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाइड कीजिए, यूनिट प्लेस को, हम 8 लेके चल रहे हैं ना, बाद में 17 तो ऐड कर देंगे, हम बस ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने पहले पूछे 17 8 जा कितना होता, तो बहुत कोई उसी जगह पे सन्नाटा हो गया, 18 तो अभी गए ही नहीं, 8 पे ही है, ठीक है, तो अगर 17 8 जा कोई पूछे 8 नॉट 18, ठीक है, तो 8 7 56 याद, 8 10 से कितने डिस्टेंस पे, 2 यूनिट, तो माइनस कीजिए 20, 36 आया, उसके आगे 1 लगा दीजिए, 136 होता है, 136 8 जा और 1 से मल्टीप्लाई किए 17, बस यही ना, तो ये 6 या 0 3 कितना आ गया, 306, यही आता ना आंसर, मल्टीप्लीकेशन का तरीका बता रहे थे, ठीक है, टेबल के फॉर्म में शॉर्टकट में ऐसे ऐसे बनाया जाता है, स्क्वायर्स निकाला जाता है, सबका अपना अपना ट्रिक है, धीरे धीरे ये यूज में आता रहेगा, वैसे यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड, देखिए 2016 का है, 4 नंबर मिल गया, अच्छा इस क्वेश्चन में बताइए कौन सा हैवी कॉन्सेप्ट लग गया, कुछ नहीं, इसलिए बेसिक आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर कभी बोला गया कि SN इज इंडिपेंडेंट ऑफ N, इसका मतलब N का कोफिशियंट 0 होगा, SN इज इंडिपेंडेंट ऑफ X, तो X का कोफिशियंट 0 होगा, जिस किसी से भी इंडिपेंडेंट टर्म बोले उसका कोफिशियंट 0 होता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, अभी ऐसा ही है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन वाला चीज है, देखिए बोला गया कंसिडर एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस, अच्छा वही चीज लिखा है, एंड कॉमन डिफरेंस डी, ये बोल दिया क्वेश्चन में कि ऐसा ऐसा मान लो, ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में दिया है, देखिए जो भी क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा ना, इसका मतलब आप उसके फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं, अभी तक में ए और डी मेरे क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा था, तो हम कोई भी आंसर ए और डी में नहीं छोड़ रहे थे, मगर इस क्वेश्चन में बोला कि मान लीजिए कि एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, यानी मेरे आंसर में ए और डी प्रेजेंट रह सकता है तो भी मेरा आंसर सही होगा, ठीक है, अच्छा इसका मीनिंग यही, आगे बोला गया लेट एस के डिनोट्स सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स, आगे बोला गया इफ एस के एक्स, ठीक ना, के एक्स बाई एस एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो वैसे केस में फर्स्ट ऑप्शन अपने पास ए टू डी के बराबर होगा, ए लिखा है, ठीक है, थोड़ा डिजाइन ही है, बी ए डी के बराबर होगा, सी टू ए डी के बराबर होगा, या फिर डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ये बोला, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जरूरत जहां पे है वहीं पे पहले ध्यान दिया जाए, ए और डी चलिए वो तो अपना अज्यूम करने वाला बात, बोला एस के का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट के टर्म, हम लोग जानते हैं काम का चीज सीधा यहां से स्टार्ट, ठीक है, एस के एक्स बाई एस एक्स, तो वहां से स्टार्ट करें एस के एक्स बाई एस एक्स, इसका मतलब हुआ के एक्स टर्म का सम, के एक्स टर्म का सम, तो कैसे लिखेंगे, एन के जगह पे के एक्स पुट करेंगे, के एक्स बाई टू, टू ए प्लस एन के जगह पे के एक्स पुट करेंगे, के एक्स माइनस वन डी, और इसके डिवीजन में मेरे पास एस एक्स यानी एन के जगह पे एक्स पुट करेंगे, तो एक्स बाई टू, टू ए प्लस एक्स माइनस वन डी, एन के जगह पे एक्स पुट करेंगे, अब इसमें से जो सॉल्व हो सके कर लिया जाए, तो x by 2 कैंसिल, ठीक है, आगे का बात इज इक्वल्स टू k को छोड़ दीजिए बाहर, k से हमको वैसा कोई मतलब नहीं, अंदर में क्या बोला था, देखिए बोला था कि ये जो टर्म है ये इंडिपेंडेंट है, अब काम देगा ये,
ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो एक्स का टर्म रखिए 2a प्लस, ठीक है, एक्स का टर्म अलग और बाकी सब अपना अलग, 2a प्लस के एक्स डी माइनस डी, और डिवीजन में, डिवीजन में नीचे का 2a प्लस एक्स डी माइनस डी। आप सोचिए अगर x नहीं होगा तो उसका कोफिशियंट जीरो होना चाहिए, यही बात था। अगर मेरा कोफिशियंट जीरो हो जाए, अगर मेरा कोफिशियंट जीरो हो जाए x का, इसका मतलब d जीरो होगा, मगर d तो जीरो हो नहीं सकता है, तो जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानते थे वो तो लगा नहीं। अब क्या करें, आप सोचिए अब क्या करें, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे जो हम सीखे थे, जो पढ़े थे, वो लगा नहीं, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। बहुत ध्यान से एक छोटा सा अरेंजमेंट करेंगे, काम खत्म। सोचते चलिए, छोटा सा अरेंजमेंट करेंगे, काम खत्म। देखिए क्या बोला, बोला ना कि x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हम आपको क्या बोले कि उसका कोफिशियंट जीरो होना चाहिए। अब सोचिए अगर कोफिशियंट जीरो हो गया तो d तो जीरो होगा, नॉट पॉसिबल इन एपी, एपी में d जीरो नहीं हो सकता। तब सर, तब क्या करें, तब सुनिए, अगर ऊपर मान लीजिए 3x और नीचे 2x आ गया तो ऐसे ही कटेगा नहीं, तब भी तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। ये दूसरा प्रोसेस हुआ किसके लिए, p बाई क्यू फॉर्म के लिए। अगर ऊपर x का टर्म नीचे x का टर्म आके x कॉमन हो जाए तो हम उसको काट भी तो सकते हैं, और वो कैंसिल हो गया तो वैसे केस में क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। बस अब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे क्योंकि अपना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगा इस पे। देखिए हम आपको समझा रहे हैं फिर से वो चीज कि क्या बोल रहे हैं, देखते रहिएगा, ठीक है। हम ये बोले एक्स का टर्म अलग बाकी अलग, टू ए माइनस डी अलग और प्लस के डी एक्स, के डी एक्स, ठीक है, यहां बस डिविजन से 2a माइनस डी, 2a माइनस डी अलग और इसके साथ में प्लस एक्स डी। अब सुनिए मेरी बात, अगर 2a माइनस डी जीरो हो जाए, इस बार 2a माइनस डी अगर, ठीक है, इफ का केस है, सोचना है, अगर 2a माइनस डी जीरो हो जाए तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा k और उसके साथ के डी एक्स, नीचे ये जीरो हो गया तो क्या बचा, एक्स डी, क्या नहीं, x और x कट जाएगा और मेरे पास d और d कट गया, आंसर आया k स्क्वायर। मतलब k स्क्वायर में x है कि नहीं है, k स्क्वायर में x है कि नहीं है, नहीं है। नहीं, अगर नहीं है इसका मतलब है कि वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, अगर उसके अंदर x नहीं है इसका मतलब वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो देखिए ऐसे ही काम किया जाता है, अगर बाय द वे इसका कोफिशिएंट जीरो नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे केस में अनदर टर्म को हम लोग जीरो कर देते हैं, और जैसे 2a माइनस डी जीरो हो गया तो वैसे केस में आप बोलेंगे कि 2a जो है वो d के बराबर, 2a d के बराबर। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि a और d में रिलेशन बताओ, कौन सा लगा, फर्स्ट लगा नहीं, सब थर्ड लगा, ठीक है, सही हुआ। इंडिपेंडेंट ऑफ x होने के लिए क्या चाहिए, 2a d के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, देन देन टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x। रुक के एक मिनट सोचिए, नोट करते करते सोचिए, अगर कहीं कोई भी दिक्कत होता है जरूर पूछिए। हम आपको बोले ना थ्योरेटिकल बात है कि इंडिपेंडेंट होने का मीनिंग क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं, नोट करते करते देखिए, अगर कोई भी टर्म ऐसा हो जहां नहीं समझ में आया आप हमसे पूछिए। कौन सा टर्म को जीरो करना है, देखिए मान लीजिए जैसे 3 प्लस एक्स बाई ए प्लस एक्स और बाई 2a प्लस 3x लिखा है, ठीक है, अगर बोल रहा है कि x कैंसिल होना चाहिए तो बताइए तो किसको जीरो कीजिएगा, सोच के जवाब देने की कोशिश कीजिए ना। हम क्या बोले ना x से फ्री होना चाहिए तो किसको जीरो कीजिएगा, एक को,
अगर आप ए को जीरो कर देते हैं तो ए को जीरो करके जब ए जीरो होगा ये मिलेगा एक्स बाई थ्री एक्स, जिसको बोलेंगे वन बाई थ्री इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर बोला इंडिपेंडेंट ऑफ ए तो किसको जीरो कीजिएगा, एक्स को। अगर आप एक्स को जीरो कर देते हैं तो ये मिलेगा ए बाई टू ए, ए बाई टू ए, तो ये हमको वन बाई टू देगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या ए है, ठीक है। दोनों चीज आप समझिए, वैसे ही हमसे ये बोला इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो इसके साथ में जो टर्म था उसको हम क्या किए, जीरो कर दिए। उसके साथ में जो टर्म एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो 2a माइनस डी जीरो होगा तो 2ad के इक्वल होगा और x के कैंसिलेशन के साथ k स्क्वायर मिलेगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। मेरे क्वेश्चन में यही बोला गया था कि a और d में वो रिलेशन फाइंड कीजिए जिससे कि एस के एक्स बाई एस एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। समझ में आया कि उसको जीरो किया, और किसी को दिक्कत? चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे, आज यही खत्म कर रहे हैं। अगले क्लास में इसी में सम और टीएन के बीच एक रिलेशन होता है, उसके बाद हम लोग अजम्पशन ऑफ टर्म्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है।